पानी करने के घाट पे आए थे स्नान करने, यहाँ पर स्नान करने के चक्कर में यहाँ पर स्नान करने का जगह ही नहीं है, अच्छा जगह नहीं है स्नान करने का, इतना सा पूरा घाट तो खाली है, बस स्नान करने का अच्छा जगह नहीं, कपड़ा वपड़ा कहाँ चेंज करें, तो देखते हैं कोई अच्छे से घाट को अच्छे से बगल में साफ सुथरा जगह पर जाकर स्नान स्नान करने का। यहाँ पर कितने सारे नाव खड़े आपने दिखाई ही होगा किसी वीडियो में, यहाँ पर नाव काफ़ी दिख रहे हैं, यहाँ पर हमारे साथ सारे दोस्त आए हैं, यहाँ पर देखिए कितना सारा बहुत ज़्यादा गर्मी, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ स्नान करें, और यहाँ पर सारे सब बेवकूफ़ी एक ही आदमी की वजह से हुआ है, हमारे मणिकांत भाई की वजह से, इनको लोकेशन चेक नहीं करने आता कौन सा जगह पर स्नान करना, कहीं जाना था और कहीं और लेकर चले आए हैं। तो चलिए आप दिखाते हैं आपको यहाँ पर मणिकर्णिका घाट, देख लीजिए यही आगे पीछे यहाँ बहुत पुराना बिल्डिंग उल्डिंग है देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर मंदिर उन्दिर पीछे बहुत सारा, देखिए इधर इधर मंदिर होगा, मंदिर देखने को पीछे मिल रहा होगा आपको। मोबाइल वाइल चार्ज करके बोला था ना लाने को, तो सब तो चार्ज हमारा तो फोन चार्ज, अपने कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर सारे अपने घूम रहे हैं तो हम भी अपना घूमते पिक्चर उचर लेते हैं, और भी अच्छे से पिक्चर देखने को मिल रहा है। इंस्टाग्राम आई डी है सागर कुमार राजा, तो उसमें जरूर आए एक बार चेकआउट करें, और आपको अच्छे से यहाँ पर पूरा वाराणसी ट्रिप का टूर का पूरा अच्छा सा फोटो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए कमलेश कुमार आ चुके हैं, यहाँ पर कमलेश क्या कहाँ कमलेश जी, तो यहाँ पर पीछे मंदिर है हमारे, तो घूमने जरूर चलेंगे। यहाँ पर इतना दूर काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आने के बाद, और यहाँ पर आपको पीछे का व्यू दिखाते बहुत अच्छा है, और स्नान करने से सिनेमेटिक्स बहुत सारे दिखलाएंगे आपको। तो चलिए आप वीडियो करते हैं यहीं पर क्लोज, और अगला वीडियो शूट करते हैं। पीछे जो घर है कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना पुराना घर है यहाँ पे, ये देखिए देखने को लग रहा है कितना पुराना घर है। यहाँ पर नाव वो काफ़ी खराब पूरा पड़ा हुआ, एक गंगा महल घाट है जिसमें काफ़ी सीढ़ी उतरने का मंदिर भी था, आपको पीछे से सीन दिखाते हैं पार्ट में 5 सेकंड का। यहाँ पे देखिए स्टीमर आउट स्टीमर जो रहता है वो ख़राब हो चुका है तो बाढ़ के कारण, यहाँ पर देख सकते हैं स्टीमर है, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है आपको पीछे। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, यही सब देखने तो हम आए हैं बस, बिहार से वाराणसी इतना मस्त मस्त क्या बता ही नहीं सकते। यहाँ पे आने के बाद ही पता चलेगा कितना अच्छा, यहाँ पर नाव हम लोग बुक करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पर जगह जगह पर घाट चेंज होते हैं, यहाँ पर भोंसाले घाट है, तो यहाँ पर घाट ही घाट है, यहाँ पर घूमते घूमते दूर दूर तक सिर्फ घाट ही घाट है, और अच्छे अच्छे मंदिर यहाँ पर कितना में छोटा वाला नाव हमें चाहिए ना, आपको उसमें तो पेट्रोल भी नहीं जलता है तो कौन सी का अथी कर रहा है। हाँ सीधी मठ तक आगे वो घुमाएगा, 250 रुपये ले रहे हैं। पीछे जो आप किला देख रहे हैं पूरा 1940 में बना हुआ किला, देखिए गंगा जितना भी किनारे जितना भी घाट बने हुए सब सब शहर को सुरक्षित करने के लिए किला बना हुआ है। ए टू जेड किला यहाँ पर सारे किले 1900 ईस्वी में बने हुए हैं, 1920 ईस्वी में, इतने अच्छे देख सकते हैं यहाँ पर पीछे जो किला है कितना पुराना और कितना मजबूत देखने में लगता है, और यहाँ पर पीछे घर सब सारे मजबूत बने हुए हैं, और यहाँ पर हमारे नाव आ चुकी है तो कात में लाइए। ठीक है तो यहाँ पर नाव बुक हो गया, चलिए घूमने चलते हैं, अब नाव से दिखाते हैं नदी का व्यू।
बैठ चुके हैं आप, बहुत डर लग रहा है, देख सकते हैं पहली बार नाव में बैठे। एक चलिए एक आदमी उधर बैठिए, नाव बुक कर लिए, देख सकते हैं नाव एडजस्टमेंट हो रहा है वजन के, कार में बैठ चुके हैं तो चलिए यहाँ पर नाव काफी हिला, डर भी लगा, भारी दे एक उठाई कर चले, एक उठाई मैं ठीक है वजन ठीक है, इसको ही कहती करो, अरे ठीक ही रहे तो इस साइडा, हां तो इस किधर नहीं था, अरे बैठो ये भाई बैठे ना, तू सगाई तक घुस डूब जाएगा रे, नहीं डूबेगा भाई, काहे डर लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग ले ना मोबाइल तो मैं पीछे लगा रहा है, नदी के बीच चला वड़ा तू बना ये तो चला बात, और देख रहे हैं पीछे कितना नाव चल रहा है, और बीच नदी में जाने वाले देखिए यहां पर चारों तरफ घाटी घाट है, पानी में यहाँ पर से आपको घाट का व्यू दिखा रहे हैं कितना मस्त, और इसको आपको एकदम पूरा स्लो मोशन में वीडियो बना के दिखलाएंगे। यहाँ पर चलिए देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है देखने में घाट, यहाँ पर बगल में मंदिर ही मंदिर है और सारे पुराने घर सब है, कौन सा मंदिर है बताया था, हनुमान जी का मंदिर है, कितना पुराना होगा लगभग, मतलब लगभग 1800 ईस्वी, 1800 यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दादाजी बताया कि यहाँ पूरा 1800 ईस्वी में ही बना हुआ मंदिर है, ये देखिए कितना पुराना मंदिर है हनुमान जी का जो महारानी सिंधिया ने बनवाया हुआ था। तो ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहे, और वाराणसी में जब भी आए तो पहले हमारा वीडियो देख कर आए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, नाव बुक कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा।